ऐसा है कि जनतंत्र में चर्चाएं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, संसदीय मुद्दों के आधार पर चलनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर नहीं। सारा देश जब ये देखता है कि हम जो विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है। पहली बात, तू सांसद है, मैं अभी सुन रहा था मैडम को, मैडम सांसद है, यही संसद में हमने कानून पारित किया जीएसटी का, तो पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि जब वो कह रही थी कि दही पे जीएसटी लगा है, दूध पे दही जीएसटी लगा है, पेंसिल पे जीएसटी लगा है, तो पहला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये निर्णय अब संसद नहीं करती, ये निर्णय कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, हमने जो संसद में कानून पारित किया है अब सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए हैं, और जीएसटी काउंसिल कौन से कमोडिटी पे कितना टैक्स होगा, कौन से स्लैब में होगा, इसका निर्णय करती है। और जीएसटी काउंसिल किसी पार्टी के आधार पे नहीं चलती, जीएसटी काउंसिल में 2/3 मेजॉरिटी ये स्टेट की होती है, 1/3 मेजॉरिटी वोटों का अधिकार ये केंद्र को होता है, मगर जीएसटी काउंसिल इतनी सुंदरता से बनाई गई है, और इसी वजह से आपको भी पता है जीएसटी काउंसिल का कानून ये राज्यसभा ने एक मत से उसको पारित किया था, उसके विरोध में कोई मत नहीं था, 0 against vote। अब जीएसटी काउंसिल में तो कांग्रेस के भी कुछ मुख्यमंत्री है, बाकी भी अपोजिशन के मुख्यमंत्री है, और जीएसटी काउंसिल की मेजॉरिटी ये राज्य केंद्र ये 2/3 1/3 के बाद 3/4 से होती है। दूसरी बात जो बार बार गुहाई दी जा रही है कि यह अमृत महोत्सवी वर्ष है, और यह बात सही है कि गरीबों को जीने का अधिकार है, आज भी देश में यह विषय हमारे सबके लिए चिंतन का मंथन का विषय है कि गरीबों को जीने का अधिकार 75 वर्ष में देने में हम कारगर साबित नहीं हो पाए। लेकिन सुधीर जी, मेरा सवाल यह है कि ठीक है जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई है, लेकिन जो पार्लियामेंट है दैट इज अ फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, तो सरकार डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है प्राइस राइज पे? किसी और मंत्री को जवाब देने दीजिए, सवाल सिर्फ यही है। ऐसा है, कांग्रेस के ही नेताओं ने पिछले समय एक विषय पे दूसरे मंत्री जवाब देने खड़े हो गए, तब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, क्यों नहीं आए मंत्री, और आज वो अपनी भूमिका बदल रहे हैं।